गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन संस्कार साइंस अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने आपको पादपों में लैंगिक जनन के बारे में बताया था और इसमें मैंने लैंगिक जनन में होने वाली जो भी इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं, उनको हमने तीन भागों में विभक्त किया था। लैंगिक जनन में जो भी घटनाएं होती हैं उन्हें तीन भाग में विभक्त किया जाता है। पहली घटना है जिन्हें हम बोलते हैं जो निषेचन से पहले होती है, बिफोर फर्टिलाइजेशन या निषेचन पूर्व। दूसरी महत्वपूर्ण घटना है निषेचन, और तीसरी जो घटना है वो है पश्च निषेचन। ये तीन महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, निषेचन पूर्व, निषेचन और पश्च निषेचन। समझ रहे हैं आप सभी? ओके। निषेचन पूर्व जो घटनाएं थी उनमें हमने दो घटनाएं प्रमुख रूप से आपको बताई थी कि इसमें कौन कौन सी बातें होती हैं। इसमें एक था युग्मकों का निर्माण और दूसरा है गैमेट्स का ट्रांसफर या युग्मकों का स्थानांतरण। हम लोग ये जो है प्रॉपरली जो लैंगिक जनन के बारे में बात कर रहे हैं, आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में बात कर रहे हैं। आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्म प्लांट। युग्मकों के निर्माण के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से नर युग्मक या मेल गैमेट का निर्माण होता है। अब मैं आज आपको ये बताऊंगा कि नर युग्मक के बाद मादा युग्मक का निर्माण किस तरह से होता है। इसके लिए आपको कुछ बातें जो बहुत ज़रूरी हैं वो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो अभी अपना जो पॉइंट है वो है मादा युग्मकों का निर्माण। सबसे पहले इसमें एक शब्द तो है अंडप, जिसे आप लोग स्त्री केसर भी कहते हो। ओके। दूसरा शब्द है इसमें बीजांड, जिसे आप गुरु बीजाणु धानी कहते हो। तीसरा यहाँ पर जो शब्द है वो है मादा युग्मकोद्भिद, यानी वो संरचना जो मादा युग्मक का निर्माण करेगी, जिसे आप भ्रूणकोश भी कहते हैं, भ्रूणकोश या एम्ब्रियोसेक। और लास्ट में इसमें बन जाएगा मादा युग्मक। अब आप यहाँ देखिए, सबसे पहली बात हमारे पास, हमने बात की अंडप या स्त्री कैसर, बीजांड यानी गुरु बीजाणुधानी, मादा युग्मक भी जिसका नाम है भ्रूणकोश। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि मादा युग्मकोद्भिद का नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? भ्रूणकोश। गुरु बीजाणुधानी को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा बीजांड। तो आप यहाँ देखिए स्टूडेंट, अपने पास ये जो संरचना मैं आपके सामने अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो संरचना है इसे हम बोलते हैं अंडप या स्त्री कैसर। इस अंडप या स्त्री कैसर के कितने भाग हैं? तीन भाग हैं। आधारी भाग जो कि पुष्पासन पर उपस्थित होता है, फूला हुआ है, अंडाकार है, इस भाग को हम बोलते हैं अंडाशय। ये जो नलिनुमा भाग है इससे हम बोलते हैं वर्तिका, और ये जो भाग है इसका नाम है वर्तिकाग्र। तो कुल मिला के तीन भाग हो गए, वर्तिका का अग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय।
इसमें यहाँ पाया जाता है ये विशेष प्रकार की संरचना जिसे हम बोलते हैं, क्या बोला हमने, ये जो संरचना है ये, इसे हम बोलते हैं बिजांड। ओके जी, बात समझ में आ गई बेटा। तो अब ये बिजांड जो है, ये बिजांड व्रंत है, वो बाद में हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो संरचना है बिजांड है, और इसी बिजांड से निषेचन के पश्चात बीज का निर्माण होता है, और अंडाशय से क्या बनता है, फल, निषेचन के पश्चात। अब हम लोग बीजांड के बारे में बात करें तो बीजांड में एक मृदुत्वकीय कोशिकाओं से बनी हुई, मैंने एक वर्ड यूज़ किया है मृदुत्वकीय कोशिकाएं, पैरेन्काइमेटस सेल, मृदुत्वकीय कोशिकाएं यानी ऐसी कोशिकाएं जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, और ये जो संरचना है इसका नाम होता है बीजांड काय, और जिसे हम न्यूसिलस भी कहते हैं। बीजांड काय की चारों ओर आवरण पाया जाता है, ये आवरण एक या दो हो सकते हैं, और इन आवरणों को हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण। अब आप इस भाग को गौर से देखिए, ये जो भाग है जहाँ मैं टिक कर रहा हूँ, ये जो भाग है ये बीजांड काय का वो भाग है जहाँ पर क्या नहीं है, अध्यावरण नहीं है, और इस भाग को हम लोग नाम देते हैं माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार। आगे बात करें बीजांड द्वार का, ये जो अपोजिट भाग है ये कहलाता है निभाग, ये जो संरचना है इसे हम बोलते हैं बीजांड व्रंथ। अब जब हमें मादा युग्मक का निर्माण करना होता है तो उस समय क्या होता है, ये जो बीजांड काय है इसकी एक कोशिका अपने आकार में बड़ी होती है, जो कैसी है, 2n है, द्विगुणित है, और ये अर्धसूत्री विभाजन करके चार गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। एक अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से चार कोशिकाएं बनती हैं, तो यह चार गुरु बीजाणु बनते हैं, तो लास्ट में ये जो संरचना बनती है वो कुछ इस तरह की बनती है बेटा। ये हो गया बीजांड काय, ये हो गया इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण, और यहाँ पर जो गुरु बीजाणु बने हैं वो चार बनते हैं, जो कि कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। इन चार गुरु बीजाणुओं में से, इन चार गुरु बीजाणुओं में से तीन गुरु बीजाणु जो कि किस ओर हैं, बीजांड द्वार की ओर हैं, ये होते हैं कौन से, निष्क्रिय गुरु बीजाणु होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, जबकि ये जो एक गुरु बीजाणु होता है ये सक्रिय होता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि मादा युग्मकोद्भिद जो बनता है वो किससे बनता है, तो आपका आंसर होगा किससे, सक्रिय गुरु बीजाणु से बनता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये पूछा भी जा सकता है कि इस मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका का, पहली सेल का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे गुरु बीजाणु या सक्रिय गुरु बीजाणु। अब ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु है ये लगातार कौन सा विभाजन करेगा, समसूत्री विभाजन करेगा, और समसूत्री विभाजन से एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं, तो तीन बार करेगा तो एक से दो, दो से एक से दो, दो से चार, और चार से कितनी कोशिकाएं बनेंगी, आठ, और आठों की आठों कोशिकाएं कैसी होंगी, अगुणित होंगी। ध्यान रखिए ये समसूत्री विभाजन करेगा। तो लास्ट स्टेप जो हमारे पास आई वो ये आई, ये बीजांड का है, ये इसमें अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट, ये कंप्लीट संरचना जो है बीजांड की आपके सामने है, और यहाँ पर आठ कोशिकाओं में से तीन कोशिकाएं तो जो अगुणित होती हैं, एन एन और एन होती हैं, ये किस ओर स्थित हैं, देखो निभाग की ओर स्थित हैं। इन कोशिकाओं को बोलते हैं कौन सी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिका। कौन सी कोशिका हो गई जी, प्रतिमुखी कोशिकाएं हो गई, तीनों कोशिका अगुणित हैं। यहाँ इन कोशिकाओं में ये कौन है, इनका अगुणित केंद्रक है, यानी इसमें कितने केंद्रक हैं, तीन। यहाँ पर भी तीन कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं एग अपर्चर या अंड समुच्चय, इसे हम कहते हैं,
और इस अंड समुच्चय में ये जो कोशिका है ये कौन सी कोशिका है? अंड कोशिका है, यानी कौन सा युग्मक हो गया? मादा युग्मक। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि पादपों में मादा युग्मक का नाम क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए कौन सी कोशिका? एग सेल। तो ये बची हुई दो कोशिकाएं जो कि इस ओर है, यानी किस ओर है? बीजाणु द्वार की ओर है। इन दो कोशिकाओं को हम बोलते हैं ये कोशिकाएं कौन सी कोशिका? सहायक कोशिका। कुल मिला के कोशिकाओं की संख्या कितनी हो गई जी? 6। कितनी बनानी थी इसे? 8। दो कोशिकाएं मिल जाती हैं लेकिन उनके केंद्रक आपस में मिलते नहीं है। कोशिकाएं आपस में मिल गई हैं लेकिन केंद्रक नहीं मिलते। इस संरचना को हम बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक। क्या बोलते हैं इसे? द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। तो कुल मिला के ये जो नई संरचना अंदर बनी है जिसमें कितनी कोशिकाएं हैं? देखो 7 कोशिकाएं। 7 कैसे हैं? 1, 2, 3 ये दोनों मिलकर होगी 4, 5, 6 और 7। ये जो 7 कोशिकाएं हैं लेकिन केंद्रक कितने हैं? 8। इसे हम बोलते हैं भ्रूणकोश। तो आवृतबीजी पादपों का भ्रूणकोश कितना? 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोशिकाएं तो है कितनी? 7, लेकिन केंद्र किसमें कितने हैं? 8 बेटा। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपके समझ में आया कि किस तरह से मादा युग्मक बनता है? देखो मैंने फिर बताया कि मादा युग्मक के निर्माण के लिए सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए 3 शब्द, अंडप्याय स्त्री कैसर, बीजाण जिसे गुरुव्याधानी कहते हैं, मादा युग्मकोद्भिद जिसे भ्रूणकोश कहते हैं। अंडप्याय स्त्री कैसर आपके सामने है, इसमें एक भाग है वर्तिकाग्र, एक भाग है वर्तिका, एक फूला हुआ आधारी भाग है अंडाशय, और अंडाशय में बीजाण, बीजाण यानी गुरुव्याधानी। हमने बीजाण का डायग्राम बाहर लिया। बीजाण में ये बीचों बीच क्या है? बीजाण का है जो किससे घिरा हुआ है? अध्यावरण से घिरा हुआ है। यहाँ पर वो भाग है जो अध्यावरण से घिरा हुआ नहीं है, उसे बोलते हैं कौन सा? बीजाणु द्वार। बीजाणु द्वार के अपोजिट कौन है? निभाग है, और ये बीजाणु व्रंत हो गया। अब इसमें जब इन्हें क्या बनाना होता है? भ्रूणकोश बनाना होता है, यानी मादा युग्मकोद्भिद बनाना होता है। तो बीजाणु काय की कोई एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करेगी, अर्धसूत्री विभाजन करके 4 गुरु बीजाणु बनाएगी जिसमें 3 निष्क्रिय होंगे और एक कैसा होगा? सक्रिय होगा। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र संख्या आधी होती है। देखिए एन 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 है और यहाँ पर क्या है? 2n है। इनमें से एक सक्रिय गुरु बीजाणु लगातार 3 बार समसूत्री विभाजन करके कितने कोशिकीय? 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना बनाता है जिसे हम कहते हैं भ्रूणकोश, यानी मादा युग्मकोद्भिद। और इस 8 कोशिकाओं में 3 कोशिकाएँ किस ओर हैं? निभाग की ओर, जिन्हें बोला प्रतिमुखी कोशिकाएँ। जो बीजाणु द्वार की ओर है उनका नाम है अंड समुच्चय। अंड समुच्चय में 2 कोशिकाएँ कौन सी हैं? सहायक कोशिकाएँ हैं, और एक कोशिका अंड कोशिका है जिसे मादा युग्मक कहते हैं, और 2 कोशिकाएँ मिलकर क्या बना देती है? केंद्रक। तो कुल मिला के आवृतबीजी पादपों का मादा युग्मकोद्भिद जो मादा युग्मक यानी अंड कोशिका का निर्माण करेगा वो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। बात समझ में आ गई। अब हमें इसके बाद जो आगे पढ़ना है वो ये है। देखो मैंने आपको बताया था कि पहला तो है युग्मकों का निर्माण और दूसरा है कौन सा? युग्मकों का स्थानांतरण। तो कल का जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा युग्मकों का स्थानांतरण। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।